बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है जी डब्ल्यू बेसिक के हवाले से कि इसकी इंस्टॉलेशन जो है हम लोगों ने किस तरीके से करनी है। तो बड़ा सिंपल से स्टेप्स हैं जी। आप अपने ब्राउज़र में जाइए जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपने लिखना है जी डब्ल्यू बेसिक फ्री डाउनलोड, इस पर क्लिक कर दीजिए। और पहला ही जो ये सोर्स आपके पास आ रहा है पी सी बेसिक आ जी डब्ल्यू बेसिक एमुलेटर डाउनलोड, और ये आपको मिलेगा सोर्स 4g.net, ये एक साइट है, यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म आएगा सामने, पी सी बेसिक आ जी डब्ल्यू बेसिक एमुलेटर एमुलेटर, और ये इसके रिव्यू हैं, ये कितना डाउनलोड हो चुका है दिस वीक लास्ट ऑफ फिलहाल, बल्कि इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये हमारा लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं तो ये ऑलमोस्ट आपके 5 सेकंड लेता है, तो 5 सेकंड के बाद ये आपका डाउनलोड जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए कि ये इसका डाउनलोड जो है ये स्टार्ट हो चुका है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसलिए मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। तो आपका ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपके ये डाउनलोड के फोल्डर, ये जो भी बाय डिफॉल्ट आपने फोल्डर रखा है वहाँ में चला जाएगा। मैंने ये फाइल ये सामने अपने डेस्कटॉप पर रखी हुई है। तो फिर क्या करना है, इस पर आना है और डबल क्लिक कर देना है, या इसको राइट क्लिक कर सकते हैं, या आपसे परमिशन मांगेगा तो आपने यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और इंस्टॉल फॉर एनी वन यूजिंग दिस कंप्यूटर, इसी पर रहने दीजिए, नेक्स्ट कीजिए। डेस्टिनेशन आपसे मांग रहा है कहाँ पे, तो सी में प्रोग्राम फाइल और उसमें इस नाम से ये जाके स्टोर होगा। आप यहाँ से ब्राउज करके चेंज करके कहीं और करना चाहें तो वहाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए और ये इसकी फाइल्स हैं, इंस्टॉल कर दीजिए और विद इन अ फ्यू सेकेंड ये कंप्लीटेड, तो क्लोज कर दीजिए, इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन का ये फोल्डर, यहाँ पे ये जो इसका लिंक है ये यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको क्लिक कर दीजिए सिंगल क्लिक, या आप इसको यहाँ से ड्रैग करके फ्रंट अपने डेस्कटॉप पे भी ला सकते हैं। जैसे मैंने ये सामने रखा है तो मेरे पे पहले ही पड़ा हुआ है तो मैं इसको यहाँ रहने देता हूँ। तो खैर यहाँ क्लिक कर दिया जा, इधर से इसको क्लिक कर देंगे जो इंस्टॉलेशन का ये लिंक है, तो ये आपके पास जी डब्ल्यू बेसिक एनवायरनमेंट है ये सामने आ जाता है पीसी, और ये 2013-18 लेटेस्ट मतलब ये है, और ये ओके मैसेज शो कर रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि इट्स वर्किंग प्रॉपरली, बिल्कुल सही काम कर रहा है। नीचे ये कुछ लिस्ट दी हुई हैं 1, 2, 3 के नाम से, एक्चुअल में ये फंक्शंस हैं इसके, F1, F2, F3, F4, 5 एंड लाइक वाइज। तो यहाँ पे इसका मैंने लिखा सी एल एस, जो आपको पता है क्लियर स्क्रीन के लिए होता है, यानी जो भी इसके ऊपर ये लिखा हुआ है ये सारा, जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो एंटर किया तो ये ओके मैसेज शो कर दिया। अभी यहाँ पे आप रेडी हैं अपना प्रोग्राम वगैरह जो है वो बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।